आइए अब अपना आसन स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इस आसन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। बस बहुत हुआ, इस आसन पर प्रभु स्थित होंगे। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। माता अब मैं समझ गया, फूफा जी ब्रह्मदेव वास्तव में त्रिखुर के समक्ष नहीं थे। आपने अपनी मोहन विद्या से उनके वहाँ होने का भ्रम उत्पन्न किया था। किंतु माता, आप त्रिखुर का मस्तिष्क किसी के स्वर अथवा किसी अप्सरा के माध्यम से भी तो नियंत्रित कर सकती थी, फिर आपने ब्रह्मदेव का ही भ्रम क्यों उत्पन्न किया? त्रिखुर पूर्व में मेरा भक्त था, उसने मेरी तपस्या की थी। इसके लिए आवश्यक था कि त्रिखुर मेरे उस स्वरूप को देखे जिसके प्रति कभी उसके मन में सम्मान था, जिस पर उसे विश्वास था। देवी बगलामुखी त्रिखुर के मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर रही थी, उनके द्वारा त्रिखुर को मोहन विद्या से प्रभावित करने का एक और बड़ा कारण था उसके अहंकार का नाश कर उसे सन्मार्ग पर लाने का एक अवसर देना था। फिर क्या हुआ माता? फिर त्रिखुर ब्रह्मदेव को अपने भवन में ले गया गणेश। ये ज्ञात नहीं, बार बार इर्द गिर्द किधर देख रहे हैं स्वामी। मुझे तो बस इतना ही स्मरण है कि वो नन्ही परी स्वामी के निकट आई और अदृश्य हो गई। मेरे विचार से ये उसी माया देवी का किया धरा है जो आकाश में प्रकट हुई थी, परंतु अब तो वो चली भी गई और ये संपूर्ण घटनाक्रम उसका ये परिणाम मेरी समझ से तो परे है। उच्चाटन उच्चाटन उच्चाटन। चाटन? हाँ, मैंने उच्चाटन विद्या उत्पन्न की जिससे किसी को भी विक्षिप्त बनाया जा सकता है, जिससे वो विचित्र व्यवहार करने लगता है, जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। और अब यही अवस्था त्रिखुर की भी होने वाली थी। देखते हैं क्या हुआ। स्वामी आप रुक क्यों गए? आप कुशल तो है ना? आपको अपने साथ अपने राजमहल में पाकर मैं कृतार्थ हुआ। सर्वथा कुशल है स्वामी, प्रतीत होता है मेरा ही सम्मान करने के लिए यहाँ रुके थे। ये मूर्ख बुद्धि कुरूपा क्या समझेगी? स्वामी मुझे मेरी बुद्धि, मेरे उनके प्रति निष्ठा के लिए सम्मानित करने ही तो मुझे संबोधित कर रहे हैं। आइए मैं स्वयं आपको राजमहल के भीतर ले चलता। अवश्य असुर सम्राट, अवश्य। मेरा इतना सम्मान, किंतु ये तो होना ही था। इसी पल की प्रतीक्षा तो मैं कब से कर रही थी। ये विचित्र दृश्य मेरी उच्चाटन विद्या से उत्पन्न भ्रम के कारण प्रस्तुत हो रहा है। आइए। ये इस प्रकार नतमस्तक होकर दुष्टों को भीतर क्यों ले जा रहा है असुर सम्राट?
ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। मैं अभी जाकर असुर महारानी देवी तृप्ता को सूचित करता हूँ। आपके राजभवन में आपका स्वागत है। आहा, मेरा राजभवन, इतना कर्ण प्रिय संवाद, मेरा इतना सम्मान, अति आनंदित हूँ मैं आज। असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट। मात्र मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो तुम, इनकी क्यों नहीं? अवश्य सम्राट, इनकी भी जय, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। मेरी जय जयकार हो रही है यहाँ। असुर सम्राट की प्रथम सेविका हूँ मैं, तो मेरी जयकार तो होनी ही चाहिए। इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। अब उचित है, आइए आप अपनी राज्यसभा में प्रवेश कर अपना स्थान ग्रहण करें। ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? इन चाटुकार मूर्खाओं का इतना आदर क्यों कर रहे हैं असुर सम्राट? अब अपना आसन स्वीकार करने की कृपा कीजिए। असुर सम्राट इन्हें सर्वोच्च आसन प्रदान कर रहे हैं, तो क्या अब ये मूर्खाएं हमसे भी उच्च आसन पर स्थित होंगी? ये मूर्खा यहाँ तक क्यों आ गई? स्वामी तो मुझे ही संबोधित कर रहे थे। स्वामी मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो ये कुरूपा क्यों मुस्कुरा रही है? वृथामती, हटो यहाँ से। वो आसन मेरा है। स्वामी मुझसे बात कर रहे थे। कदापि नहीं, इस आसन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। नहीं नहीं, तुम हटो मेरे मार्ग से। बहुत हुआ, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? स्वामी, इस मूर्ख को ये भवन त्याग करने का आदेश दीजिए। आपकी नवीन मंत्री होने के नाते मैं इसे यहाँ से निष्कासित करती हूँ। तो स्वामी, आप ही इसे पता ही दीजिए कि इस आसन की नवीन मंत्री मैं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस कुरूपा का शीश इसके धड़ से विलग कर दिया जाए। वृथामती, किसने कहा तुम दोनों को कि इस आसन पर तुम दोनों में से कोई प्रतिष्ठित होगा? स्वामी ये क्या कह रहे हैं? ये आसन ना मेरा है और ना इसका, तो फिर कौन स्थित होगा इस पर? इस आसन पर प्रभु स्थित होंगे। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर इस रिक्त स्थान की ओर क्यों संकेत कर रहे हैं स्वामी? क्षमा कीजिए प्रभु, ये दोनों आरंभ से ही भिन्न भिन्न उत्पाद उत्पन्न करती रही है, परंतु आप चिंता न करें, आप आसन ग्रहण करें। मूर्खो, हट जाओ इनके मार्ग से। किसके मार्ग से हटना है? असुर सम्राट हमें कहाँ हटने का आदेश दे रहे हैं? दूर हो जाओ इनके मार्ग से। कहाँ? आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। असुर सम्राट त्रिखुर को यह क्या हुआ है? मैं तो इससे ही अचंभित था कि वो इन दोनों मूर्खाओं को आसन पर बिठा रहे हैं, किंतु अब तो और भी विचित्र स्थिति हो गई है। वो किसी और को वहां स्थित होने का अनुरोध कर रहे हैं, किंतु वहां तो कोई है ही नहीं।
मंत्रियों और सभासदों, दो बातें। एक, तुम सबको ज्ञात तो होगा ही कि मैंने नारायण और महादेव को परास्त कर दिया है और इंद्र एवं सभी देवता मेरे बवंडर की भेंट चढ़ चुके हैं। और दो, मैं इस ब्रह्मांड का निर्विवादित एक छत्राधिपति बन गया हूं। ये सब क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं महाराज? ये अकस्मात क्या हो गया महाराज को? मेरी धृष्टता क्षमा कर दें असुर सम्राट, किंतु हमने तो इसके विपरीत ही कुछ सुना था। पुत्र त्रिकोर, मुझे खेद है, जिसकी मुझे शंका थी वही सत्य हुआ। क्या हुआ प्रभु? क्या शंका थी आपकी? ऐसा क्या सत्य है जो आपको दुखी कर रहा है? मुझे आशंका थी कि तुम्हारे राज्यसभा के अधिकांश मंत्री तुमसे ईर्ष्या करते हैं और यही ईर्ष्यालु मंत्री तुम्हारे ब्रह्मांड के स्वामी बनने के प्रयास में बाधा बन रहे थे। उचित थी मेरी शंका। मैं तुम्हारे राजकाज का निरीक्षण करने इसलिए आया था कि सत्य ज्ञात कर सकूं और तुम्हें सावधान कर सकूं। किंतु प्रभु, ये शंका क्यों जागृत हुई आपके मन में और ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि ये सत्य भी है? सत्य तो तुम्हारे समक्ष है पुत्र। तुम ब्रह्मांड विजेता बनकर आए हो और तुम्हारे मंत्री तुम्हारी इस महान उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तुम्हारे कथन पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हाँ, ये उचित है प्रभु, ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे ज्ञात है आप मुझे उचित मार्गदर्शन देंगे। स्वामी, अब मैं अशांत नहीं रह सकती। आप किससे बातें कर रहे हैं? देखा पुत्र त्रिकुट, तुमने ये रहा प्रमाण इनकी ईर्ष्या का। तुमने अपनी राज्यसभा में मुझे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये लोग मुझे अनदेखा कर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे समक्ष, जैसे कि तुम कोई विक्षिप्त असुर हो। तो मैं ही दिखाता हूं इन्हें कि एक विक्षिप्त असुर क्या क्या कर सकता है। बस बहुत हुआ। दो बातें। एक, तुम्हारा अधिपति हूं मैं, सेवक नहीं। उससे प्रश्न करने वाले, मुझ पर उंगली उठाने वाले होते कौन हो तुम? और दूसरी, इनकी अवहेलना कभी नहीं सहन करूंगा मैं। सबके सब अभी के अभी नतमस्तक हो जाओ इनके समक्ष। किंतु असुर सम्राट, हम किसके समक्ष झुके, किसका आदर करें? आसन पर तो कोई है ही नहीं। इधर आओ। मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो तुम। लो, इसका दंड सहो अब। नहीं। बुद्धिमानी तो इसी में है कि स्वामी जो भी कह रहे हैं उसे शांति पूर्वक स्वीकार कर लो, अन्यथा ताड़ना झेलनी होगी। नवीन मंत्री की जय हो, 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 नवीन मंत्री की जय हो। कदाचित तुम दोनों इतनी मूर्ख नहीं जितना मैंने तुमको समझा था। जब से हम यहाँ आए हैं, तुम सभी दुष्ट मेरे प्रभु की अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि मेरे प्रति ईर्ष्या से भरे हुए हो तुम सभी।
और अब ताड़ना के भय से अचानक इन दोनों को वो दिखाई देने लगे। अब और कौन शेष है जिसे प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं? बोलो। मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ असुर महाराज, मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ इन्हें, वो तो हमारे साथ ही हैं। भय के बिना आदर प्राप्त नहीं होता। अब उचित मार्ग पर आए हैं ये सभी। अब उचित है पुत्र, परंतु अभी एक कार्य शेष है। अब तुम ब्रह्मांड के अधिपति हो, इसलिए तुम्हारे राज्य के नियम और तुम्हारे मंत्रियों के कार्यभार पूर्व के समान नहीं रह सकते। इसलिए तुम्हें अपने मंत्रियों को नवीन दायित्व देने होंगे, उनका कार्यभार बढ़ाना होगा। अब संपूर्ण ब्रह्मांड का भार जो है तुम्हारे ऊपर। आप सर्वतः उचित कह रहे हैं प्रभु। अब क्या कह दिया उस महापुरुष ने? मैं ब्रह्मांड का सम्राट हूं, तो मैं अपने मंत्री परिषद में कुछ परिवर्तन करूंगा। सभी मंत्रियों को नवीन दायित्व दूंगा और इसका प्रारंभ होगा सेनापति से। युद्ध भूमि हो अथवा राज्यसभा, संकट का सामना सर्वप्रथम मुझे ही क्यों करना होता है? ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? समझ गए ना सेनापति? समझ गया? असुर सम्राट ने जो कहा उसमें समझने योग्य कुछ कहा था, किंतु यदि मैंने ऐसा कहा तो कदाचित मैं उनके हाथों प्रताड़ना का भागी बनूंगा। अवश्य असुर सम्राट, मैं सब समझ गया। मुझे अपने नवीन दायित्व स्वीकार है असुर सम्राट। सेनापति समझ गए, किंतु मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कदाचित ये मेरी बुद्धि की कमी तो नहीं? जी। और सुनो, तुम्हारे लिए समझ गए ना तुम सब? जी जी असुर सम्राट, सब समझ गए असुर सम्राट, सब समझ गए असुर सम्राट। और तुम दोनों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है। जी स्वामी, उचित है, हम समझ गए। रुको दुर्मुखा, तुम्हारे लिए ब्लम 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 ब्लम। जी जी स्वामी। क्या हो गया है हमारे महाराज को? संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रण करने की शक्ति है, आज वो स्वयं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वो दुष्ट अपनी विक्षिप्त बुद्धि से संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल रहा था, और आपने उच्चाटन विद्या का प्रयोग कर उसे वास्तव में विक्षिप्त बना दिया। किंतु अभी तो उसे और सीख प्राप्त होनी थी ना माता? वरदान की शक्ति तभी व्यक्ति के उद्धार के लिए काम में आती है जब उसका प्रयोग सकारात्मक कार्य के लिए किया जाता है।